नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शाहजहां ने जिस तरह अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, तो वहीं शाहजहां के पिता जहांगीर ने अपनी मां की याद में ये मकबरा बनवाया था, जिसको हम बोलते हैं टूम्ब ऑफ मरियम उज़्ज़मानी, या इसको हम मरियम का मकबरा नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आपको घुमाता हूँ मैं ये मकबरा और इसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको देता हूँ। तो चलिए पहले मैं टिकट ले लेता हूँ। भैया कितने का टिकट है? 25। और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 20। तो मैंने यहाँ का टिकट ले लिया है, ये मुझे पड़ा 25 रुपए का। तो हीर कुंवारी यानी कि जोधा बाई का जन्म एक राजपूत राजकुमारी के रूप में हुआ था और वे आमेर के राजा भरमल की सबसे बड़ी बेटी थी। 1562 में यानी कि 1562 में उन्होंने सम्राट अकबर से शादी की थी। जब जहांगीर का जन्म हुआ, जिन्हें हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें मरियम उज़्ज़मानी नाम के खिताब से नवाजा गया। मरियम के 1623 यानी कि 1623 में आगरा में मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे जहांगीर ने उनके लिए 1623 से लेकर 1627 के बीच में ये मकबरा बनवाया, जिसको आज हम मरियम टोम्ब या फिर टोम्ब ऑफ मरियम उज़्ज़मानी या मरियम का मकबरा, इन सभी नामों से जानते हैं। और ये मकबरा अकबर के मकबरे से केवल 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस जगह पर लोदी काल में एक बारादरी हुआ करती थी। मुगलों ने इसे अपनाकर इसमें मकबरा बना दिया। इसके केंद्रीय कक्ष के नीचे एक तहखाना बनाया गया है। तो इस मकबरे में 3 कब्रें हैं, एक तहखाने में स्थित मूल कब्र है और बाकी की 2 ऊपरी भूमितल और छत पर हैं। इमारत के चारों मुखारों को लाल पत्थर के फलकों और छज्जों से बनाया गया है। चारों कोनों पर दुश्तियाँ बनाई गई हैं और ये मकबरा चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। यह पूरी इमारत 9 भागों में बांटी गई है। चारों दिशाओं में आपको गलियारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ पे, तो मोस्टली यहाँ पे कपल्स ही आपको मिलेंगे। इस इमारत के अंदरूनी हिस्सों और बाहरी छज्जों को संभालने के लिए सुंदर मदलों का प्रयोग किया गया है। हर एक खंभे पर 5 मदले हैं। इस प्रकार एक छतरी पर 40 मदले सजाए गए हैं, जो देखने में बड़े ही अद्भुत लगते हैं। और ये इमारत बिना गुंबद के भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो दोस्तों, इस मकबरे का मुगलों के गुंबद विहीन यानी कि बिना गुंबद के मकबरों में एक अलग ही स्थान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरे साथ ये मकबरा घूमकर अच्छा लगा होगा। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर।